जय हिंद, मैं निशांत सौरभ आप सभी को लेट्स क्वालिफाई नाउ में स्वागत करता हूँ। बच्चों यहाँ पे ध्यान दे, यहाँ पे मैं मिस्ड क्वेश्चन करवा रहा हूँ। मिस्ड क्वेश्चन मीन्स जितने भी टॉपिक्स को मैंने करवा चुका उन सभी से मिलाकर यहाँ पे क्वेश्चन को लिया गया है और काफी बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है। सभी क्वेश्चन एग्जामिनेशन बेस्ड है, एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चन से। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि ऑल द सिक्स मेंबर्स, मतलब ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिया गया है, ये क्वेश्चन लिया गया है ब्लड रिलेशन चैप्टर से। तो जिन बच्चों को ब्लड रिलेशन चैप्टर पे कमांड होगा उनसे बनेगा, जिनका नहीं होगा उनसे ये क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। तो मैं फिर से कह रहा हूं, जिन बच्चों ने भी ब्लड रिलेशन टॉपिक नहीं पढ़ा है, सबसे पहले उसके कॉन्सेप्ट को पढ़ें, अच्छे तरीके से समझें, फिर इस वीडियो को देखें। अब बच्चे यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे कह रहा है कि ऑल द सिक्स मेंबर्स ऑफ द फैमिली, एक फैमिली के सिक्स मेंबर हैं और कौन कौन है यहाँ पे, ए बी सी डी ई एंड एफ सिक्स मेंबर हैं। और वो क्या कर रहे हैं बच्चों, साथ में ट्रेवल कर रहे हैं, साथ में क्या कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, कहीं गए होंगे घूमने के लिए। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि बी है, बी इज द सन ऑफ सी। अब यहां पे ध्यान दें, यहां पे जो बी है वो सन है, किसका है बच्चों, तो सी का है। बट सबसे बहुत बड़ी चीज है ये, यही तो घुमा देता है, बट सी इज नॉट मदर ऑफ बी। अब ध्यान दें, बी बेटा है सी का, लेकिन सी मदर नहीं है किसका, तो बी का, तो इसका मतलब फादर होगा, है ना बच्चों। यहाँ पे जब सी मदर नहीं है बी का तो कौन होगा, फादर होगा। तो इस तरह से अपन लिख सकते हैं कि सी है वो फादर है किसका, तो बी का, है ना। जो सी है वो फादर है और किसका है बच्चों, तो यहाँ पे बी का है। और बी कौन है बच्चों यहाँ पे, तो बी है जो सन है, बेटा है। अब ध्यान दे, ए एंड सी आर मैरिड कपल। अब ए और सी मैरिड कपल है, जब ए और सी मैरिड कपल है तो बच्चों जब सी मेल है तो ए कौन होगी यहाँ पे, फीमेल होगी। और ये जो ए है वो बी की मदर लगेगी, है ना बच्चों। और नेक्स्ट है कि ई इज द ब्रदर ऑफ सी। अब लाडलो ध्यान दे, जो ई है ना वो भाई है, और किसका भाई है, तो सी का भाई है, है ना। एंड नेक्स्ट डी इज डॉटर ऑफ ए। अब जो डी है वो डॉटर है, जब बी बेटा है ए का, है ना, तो यहां पे डी डॉटर है ए की, तब तो डी इस तरह से बी की सिस्टर लगेगी, बहन लगेगी। और नेक्स्ट है बच्चों कि एफ इज ब्रदर ऑफ बी। अब यहाँ पे जो एफ है वो ब्रदर है और किसका है, तो बी का है। अब यहाँ पे ध्यान दें, जितने भी यहाँ पे दिए गए थे इंफॉर्मेशन, इसके अनुसार से ये डायग्राम अब कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स इन अ फैमिली। ये जो पूरे परिवार दिखाई दे रहे हैं सिक्स मेंबर की, इस सिक्स मेंबर में कितने मेंबर हैं जो कौन होगी, फीमेल होगी। ध्यान दें, फर्स्ट फीमेल, सेकेंड फीमेल, यही तो है। कितने मेंबर है बच्चों यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। काफी बेहतरीन क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नंबर इसी से रिलेटेड है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, इसे मैं केवल ध्यान दे, मैं नीचे वाले पार्ट्स को मिटा रहा हूं, आप लोग नोट करते चलेंगे, मैं इसे मिटा रहा हूं। अब ध्यान दे, यहां पे मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चों यहां पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड इसी से है रिलेटेड। Who is
फादर ऑफ बी। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दे, बी के पिता कौन होंगे, तो बी के पिता सी है यहाँ पे, तो कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, ध्यान दे इसका आंसर हो जाएगा सी, है ना। और इसी तरह से अगर मैं इसके क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर देखें, है ना, इसी से रिलेटेड है, इसमें कह रहा है कि हाउ मेनी चिल्ड्रेन डज सी हैव। अब बच्चों इसमें ये कह रहा है कि हाउ मेनी चिल्ड्रेन डज सी हैव, सी के कितने बच्चे हैं, तो ध्यान दे सी के कितने बच्चे हैं, है ना, एक तो एफ हो गया, एक बी हो गया और एक डी हो गया, कितने बच्चे हैं बच्चों यहाँ पे सी के, तो तीन बच्चे हैं, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, आंसर हो जाएगा थ्री। काफी बेहतरीन क्वेश्चन था, है ना। ये सभी क्वेश्चन जो करवाए गए इसके पार्ट्स, ये तभी सोल्व हो पाएगा लाडलो जब ये स्टेटमेंट दिए जाते हैं ना, जब इसका डायग्राम बन जाएगा, और बनेगा कब, जब आप लोगों को टॉपिक पे कमांड होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मैं इसे मिटा रहा हूं, आप लोग ध्यान पूर्वक इसे नोट कर लेंगे काफी अच्छी तरीकों से। अब मैं इसे मिटा रहा हूं, अब देखिए यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड लिया हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है इफ नाउ इज इक्वल टू 260, ध्यान दे यहाँ पे, इफ नाउ इज इक्वल टू 260 एंड नेक्स्ट डाउन इज इक्वल टू 280 मीन 280। ये क्या है एक्चुअली में, ये समझिए कि ये डाउन का कोड है और ये नाउ का कोड है, है ना। तो लल्ला प्यारे ध्यान दें, अपने को किसका कोड बताना है, तो नीस का कोड बताना है। तो किस तरह से पता चलेगा बच्चों यहां पे, ध्यान दें, हमें तभी पता चलेगा जो यहां पे नाउ दिया गया है और ये नाउ का कोड दिया गया है, इसके बीच में रिलेशन अपन निकालेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे जो डाउन दिया गया है और जो इसका कोड दिया गया है, इसके बीच का रिलेशन पता करेंगे। अब ध्यान दें, जब इस तरह का होता है ना, जब इस तरह का दिया जाएगा, तो सबसे पहले अपने को क्या आता है ख्यालों में इसके पोजीशन आते हैं। जैसे मैंने नाउ लिया और नाउ का पोजीशन कितना होता है बच्चों यहाँ पे, ध्यान दे सॉरी एन का पोजीशन हो जाएगा 14, ओ का होता है 15 और डब्ल्यू का 23। सभी को क्या करेंगे अपन, ऐड कर देंगे और तो कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, ध्यान दे ये हो जाएगा 29 और 29 प्लस 23 तो ये कितना हो जाएगा 52। अब जब ये 52 है ना बच्चों, तो इसे अपन क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 260। मतलब क्या किया गया है यहाँ पे, जो अल्फाबेट है यहाँ पे, जो अल्फाबेट लिया गया है उसके पोजिशन को लिया गया है यहाँ पे, और सभी अल्फाबेट के पोजीशन को क्या किया गया बच्चों यहाँ पे, ऐड कर दिया गया है, और ऐड करने के बाद लल्ला प्यारे उसे 5 से गुना कर दिया गया है, मींस मल्टीप्लाई कर दिया गया है। अब यहाँ पे तो नाउ का पता चल गया, अब अपन देखते हैं यहाँ पे डाउन का क्या है, है ना। यहाँ पे अपन लिए हैं डाउन, तो लाडलो डी का क्या होता है पोजिशन 4, इसी तरह से ओ का क्या हो जाएगा बच्चों 15, डब्ल्यू का 23 और एन का 14। इसे भी सभी को आपस में ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 23 प्लस 15 कितना हो जाएगा 38 प्लस 4 कितना हो जाएगा बच्चों 42 और 42 प्लस 14 कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 42 प्लस 14 तो ये आ जाएगा यहाँ पे 42, हाँ, और प्लस यहाँ पे 14 ये हो जाएगा यहाँ पे 56, और इसे क्या किया गया बच्चों 5 से मल्टीप्लाई किया गया है, ये क्या हो जाएगा 280 हो जाएगा, है ना। जब इतना पता चल गया अपनों को, तो अब यहाँ पे अपन नीस का कोड निकाल लेते हैं, क्या है नाइस का,
अब यहाँ पे एन का पोजीशन क्या होता है बच्चों, यहाँ पे ध्यान दे, 14 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा। सभी को आपस में सम कर देंगे और सम करने के बाद 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये दोनों का ऐड करेंगे 12 और 14 26, ये हो जाएगा 31 और मल्टीप्लाई 5 = 165, यही इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। ध्यान दे, काफी बेहतरीन क्वेश्चन था ये। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है बच्चों यहाँ पे, इफ स्नो इज कोडेड एज 21, 16, 17, 25, स्नो को कोड किया गया है बच्चों, स्नो को कोड किया गया है 21, 16, 17, 25 एंड मैन को कोड किया गया है, ये जो मैन है ना बच्चों, इसका कोड किया गया है यहाँ पे 15, 3, 16 है ना, और हमें किसका कोड बताना है, क्यूट का कोड बताना है। अब मैं ऊपर वाले को मिटा रहा हूं, अभी ऊपर वाले को आप लोग नोट कर लेंगे क्योंकि मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड का सोल्यूशन यहीं पे करूंगा। अब ध्यान दें यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे जो जो भी वर्ड लिए गए हैं और जो भी कोड यहाँ पे लिए गए हैं उसे अपन यहाँ पे लिखते हैं और उसके बीच में जो भी रिलेशन होता है उसे अपन निकालते हैं, तभी हमें नेक्स्ट का कोड पता चल पाएगा। अब देखिए यहाँ पे बच्चों क्या किया गया है, यहाँ पे अगर हम बात करें अपन यहाँ पे, तो ध्यान दे सबसे पहले लिया गया है स्नो को, यहाँ पे अपन स्नो को लेते हैं, यस एन ओ डब्लू। अब यहाँ पे यस का पोजीशन होता है 19, एन का होता है 14, ओ का होता है 15 और डब्लू का होता है 23 है ना, लेकिन यहाँ पे दिया क्या गया है ना बच्चों, यहाँ पे दिया गया 21, 16, 17, 25, मतलब ये ध्यान दे पहले क्या, अगर क्वेश्चन को मैंने सोल्व करवाया था, कॉन्सेप्ट बता रहा था, उसमें क्या था, उसमें ये था कि वर्ड का कोड वर्ड में दिया गया है ना, लेकिन यहाँ पे वर्ड का कोड नंबर में लिया गया है। यहाँ पे जो कोड में वैल्यू आना चाहिए, जो कोड में यहाँ पे अल्फाबेट के रूप में होना चाहिए, वहां पे बस केवल नंबर दिया गया है और कुछ नहीं किया गया है ना। तो मतलब कि यहाँ पे यस से 19 से 21, 15 से 14, 16, 15 से 17 और 13 से 25, मतलब कि सभी में क्या हो रहा है बच्चों यहाँ पे, तो प्लस 2 हो रहा है ना, सुनो में प्लस 2। अब इसी तरह से अपन अगर मैं मैन को चेक करूं यहाँ पे, ध्यान दे अगर अपन मैन को चेक करूं यहाँ पे, तो ये क्या है, मैन है 13, 1, 14, इसमें भी क्या है यहाँ पे, तो मैन का कोड क्या है बच्चों यहाँ पे, ध्यान दे 15, 3, 16, 15, 3, 16, कितना हुआ बच्चों, सभी में प्लस 2 हुआ है ना, सभी में प्लस 2 हुआ, मतलब कि जो आने वाला वर्ड है, मीन्स जो यहाँ पे क्यूट लिया गया है ना, तो लल्ला प्यारे ध्यान दें इसका भी कोड क्या होगा, प्लस 2 करके, ध्यान दो यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे क्यूट, सी का पोजीशन 3, यू का पोजीशन 22, टी का पोजीशन 20, ई का पोजीशन 5, सभी में क्या करें बच्चों यहाँ पे, तो प्लस 2 कर दें, क्या कर देंगे अपन, प्लस 2 कर देंगे, और जब प्लस 2 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 24, यहाँ पे हो जाएगा 22 और यहाँ पे हो जाएगा 7, और जिस ऑप्शन में ये प्रेजेंट है वही ऑप्शन सही होगा, किस क्या है 5, 24, 22, 7, किस में है 5, यहाँ पे 21 होगा है ना, 2 ऐड करेंगे यहाँ पे 23 होगा, कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए। ध्यान दे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, इसमें ये था बस, ये जो नंबर लिया गया ना कोड के रूप में, ये सभी नंबर जिसे मैं राउंड कर रहा हूं ना उस पे आप ध्यान दो, यहाँ पे नंबर ना, सॉरी यहाँ पे जो नंबर लिया गया है ये लिया गया अल्फाबेट के प्लेस पे, रो तो सेम ही हो रहा, सिमिलर नंबर ऐड हो रहे हैं है ना, या तो इसको इस फॉर्मेट में बनाइए या तो इसको इस तरह से कर दीजिए एस एन ओ डब्लू, इसका कोड यहाँ पे होगा, 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 कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, सभी में प्लस 2 चल रहा है, वही चीजें हैं, पढ़े हुए चीजें हैं। तो आप लोग इस तरह का कभी मत हड़बड़ाए कि ये नंबर दे दिया है अपन तो बस ये पढ़े थे कोड, लेटर का कोड लेटर में पढ़े थे है ना, तो ऐसी कोई बात नहीं है, बस वही चीजें होती हैं, रूल्स सेम होते हैं, बस थोड़ा सा आप लोग वहां पे बिल्कुल माइंड को क्लियर रखें।
अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एग्जामिनेशन जो SBI है कलर का, उसका एडमिट कार्ड भी आ चुका है ना। तो जो भी स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं बिल्कुल रिलैक्स रहें, अब एग्जामिनेशन में ज़्यादा टाइम नहीं है ना। तो जितना आप लोग पढ़ चुके हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन को बनाएं, टेस्ट को दें, एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की कोशिश ना करें, बिल्कुल रिलैक्स होकर एग्जामिनेशन दें। और जितना हो सके आप लोग को जब भी एग्जामिनेशन में बैठे एग्जाम देने के लिए, कोशिश करें कि हम इसमें वैसे क्वेश्चन को टच ना करें जिसमें आप लोगों को कंफ्यूजन हो, है ना बच्चों। तो जाने से पहले जिन बच्चों ने भी हमारे यूट्यूब चैनल सौरभ लेट्स क्वालिफाई को सब्सक्राइब नहीं किया है, लेट्स क्वालिफाई नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लेंगे ताकि जो भी न्यू वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।